सिवान में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, प्रत्याशी लगातार धुआंधार प्रचार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज सिवान सदर प्रखंड के बरहन पंचायत में मुखिया प्रत्याशी चुमन चौधरी के समर्थन में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामायण चौधरी ने एक रोड शो किया। इस दौरान हजारों हजार की संख्या में बरहन ग्राम पंचायत की जनता मौजूद रही। सभी लोग रामायण चौधरी जिंदाबाद, चुमन चौधरी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। हर गांव में लोग फूल माला के साथ उनका स्वागत करते हुए भी दिखाई पड़े। बता दें कि बरहन पंचायत में मुखिया पद पर लगातार कई बार से रामायण चौधरी के परिवार का कब्जा है और इस बार रामायण चौधरी ने अपने छोटे भाई चुमन चौधरी को मुखिया पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। मीडिया से बात करते हुए रामायण चौधरी ने कहा कि बरहन पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाना है और पूरे बिहार में सबसे नंबर बनाने के लिए चुमन चौधरी काम करेंगे। हम लोग सब लोग मिलजुल कर चुमन कुमार को समर्थन किए हैं और हम लोग चुमन कुमार को विजयी बनाएंगे और जिताएंगे और जिता कर हम लोग चाहेंगे जो यहाँ के विकास अधूरा है उसको पूरा करें। सभी जनता के ही एक अभिनंदन है, आग्रह है। आज जो ये रैली हुआ है, जो पैदल यात्रा हुआ है, काफी संख्या में एकदम जबरदस्त लोगों का रहना था, क्या कहेंगे इस बार? देखिए, यह मेरे परिवार का और मेरा यह धरोहर है। ग्राम पंचायत बरहन जो राज है, यह धरोहर है। इसलिए यहाँ सभी लोग मेरे साथ कंधे में कंधे मिला कर रहते हैं और सभी लोग साथ में रहता हूँ। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई बड़ा छोटाई किसी का भेदभाव नहीं है। सभी लोग जाते हैं, रुक जाओ, जाते हैं, सभी लोग के दरवाजा पर मैं बैठता हूँ, खाना पीना चाय सभी लोग करता हूँ, सभी लोग एक बराबर। और जो जो यहाँ का एक सुरक्षा जो मद्देनज़र रखते हुए एक होता है, जो इसमें सुरक्षा के ध्यान से सभी लोग यहाँ माने अधूरा जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे कार्य के मैं पूरा किया हूँ, जो किसी के पास कोई परेशानी ना हो। मैंने आपकी देख रेख में मेरा पूरा पंचायत और हर नज़र हर पल मैं नज़र रखता हूँ, ये सब लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें, अच्छे रहें। आप बरहन की जनता से हमें क्या निवेदन करेंगे? देखिए, बरहन के जनता से मैं यही अपील करूँगा, ये इन लोग को सहयोग से, मैं कॉपरेटिव चेयरमैन भी हूँ, आगे भी हम लोग को लड़ाई लड़ना है। बरहन पंचायत में बहुत कुछ लाना अभी बाकी है, अधूरा है। मेरे सपना के सब लोग साकार करें और 29 तारीख के सभी लोग जाकर जो EVM है, एक नंबर जो मोती के माला है, सभी लोग उस पर अपना बहुमूल्य वोट दें और इस पंचायत का नाम रोशन करें पूरे देश में। रामायण भैया जिंदाबाद, रामायण भैया जिंदाबाद। पूरे बिहार में हर चैनल पर चले जिसमें बरहन पंचायत के ही नाम आगे रहे। मतलब कि बरहन को आदर्श पंचायत बनाने का काम एकदम आदर्श बरहन पूरे जिला नहीं पूरे बिहार में हमको लग रहा है कि 6 महीने के अंदर 1 नंबर में आ जाएगा पूरे बिहार में। मैं यहाँ जो भी मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, उनको मैं बुलाऊंगा और मैं इस पंचायत का फीता उनको कटवाऊंगा। अगर यहाँ अगर हम MLC बन के जा रहा हूँ, विधायक बन के, मैं यहाँ उद्योग लगवाऊंगा, यहाँ उद्योग लगाऊंगा जो मेरे गाँव के ही लोग काम करेंगे उसमें। ये बिहार सरकार के द्वारा एग्रीमेंट होगा, मतलब किसी भी गांव के लोगों को बाहर कमाने जाने की जरूरत नहीं। जरूरत हमको लग रहा है कि आने वाला दिन में नहीं पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया हम लोग उद्योग लगाएंगे, यहाँ अच्छे दवा के कंपनियाँ लाएंगे। हम भी चाहेंगे जो अपना से एगो बढ़िया हॉस्पिटल हम 200 बेड के बनवाएँ, पूरा ऑक्सीजन वगैरह सब अप टू डेट रहे, जो हमारे गाँव और हमारे अगल बगल पड़ोसी गाँव को सबको सुविधा मिले। अच्छा अच्छा डॉक्टर हम लोग लाएंगे दिल्ली से और बेंगलोर से, अमेरिका से यहाँ, और भविष्य में जनता हमको, जिला के जनता भेज रही है विधान परिषद या विधानसभा में, तो हम इस चीज़ को उठाएंगे। जो भी है हम लोग चाहेंगे यहाँ विकास हो, अच्छा
लोग खुश रहें, जनता खुश रहें, अच्छे रहें, किसी को परेशानी ना हो। हमारे गांव में सब लोग अच्छे लोग हैं, कोई केस मुकदमा नहीं है, चोर चुहार नहीं है, कोई गंदा लोग नहीं है, सब लोग अच्छे लोग हैं। हम लोग अच्छे ज्ञान देते हैं, अच्छे बात देते हैं, अच्छे संदेश भेजते हैं। मैं यही आग्रह करूंगा सभी नौजवानों से, ये आप लोग अपने अपने परिवार को समझा कर बुझा कर आप लोग ले जाकर हर हाल में सुबह वोट करवाइए। आप वोट कराकर जो भी आपका उम्मीद है हमारे पास रखिए, मैं उस पर खड़ा उतरूंगा। इसी के साथ बरहन पंचायत के जनता जिंदाबाद, नौजवान जिंदाबाद, माताएं जिंदाबाद। तो ऐसा मुखिया कभी मिले नहीं रमान चौधरी जैसा। अभी बहुत मुखिया आए गए, लेकिन ये ऐसा मुखिया है कि जो नहीं कहते हैं अपने आगे का खाना गरीबों को देते हैं। हम कभी आते हैं मदद मांगने की कि ये नहीं वो नहीं है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमको कह देते कि जाइए, आते हैं जो सोचते हैं बैठाते हैं। ये नहीं कि ये बैठे कुर्सी पर तो हमको भूया बैठा है, हमको भी कुर्सी देते हैं, इनके घर में अवेलेबल है, क्या कि हम आते हैं जाते हैं। इनमें यही एक खूबी है कि जनता का सेवा करने में माहिर है, ठीक है। और इनसे कुछ कहने का मतलब नहीं है कि कहते हैं कि ये वो, ऐसा नहीं है। हमको एक लेवल से देखते हैं, या क्या गरीब हो क्या अमीर हो, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसीलिए हम लोग खुश हैं, इतना जनता भीड़ लगाए हैं, हम काम कर छोड़ कर आए हैं कि हम रैली में जाएंगे, ठीक है। इतना हाँ मजदूरी करते हैं, मिशन का काम करते हैं, लेकिन इनका रैली सुने हैं तो हम काम छोड़ कर चले आए हैं, क्योंकि हम इनसे खुश हैं, क्योंकि हमको ये मदद करते हैं। जब आते हैं कोई भी काम पड़ता है राशन के लिए, चाहे हमको अपने खेत का अनाज हमको दिया है एक दिन, इतना मजबूरी है, हमारा खेत उतना नहीं है, घर भी नहीं है, लेकिन आए थे कि मुखिया जी अभी लॉकडाउन लगा है, खाने का कुछ नहीं है, लेकिन ये अपना घर का अनाज धरा हुआ एक बोरा पहुँचवाएँ खुद यहीं का लड़का से कि लेकर जाओ पहुँचा दो, ठीक है। हाँ ये है, हाँ पहुँचवाए थे, ठीक है। लेकिन हम इनसे बहुत खुश हैं, इनका छोटा भाई है वो बुझिए कि बहुत बढ़िया है, और जिस तरह नॉर्मल है हम भी नॉर्मल हैं। आज जाते हैं बाबू भैया सबको, तो ये नहीं कि हम रमान चौधरी का भाई हैं तो बड़ा है, नहीं, वो ऐसा है कि हाँ सबका साथ बराबर, बैठते हैं बैठाते हैं, खाते हैं खिलाते हैं। हम कहते हैं भैया ये नहीं है तो कहते हैं चलो बाबू हम कर देते हैं। अच्छा इस बार अब अपनी मजदूरी मांगने जा रहे हैं जनता के बीच में, क्या मजदूरी आप? मजदूरी तब तो जीत है ही है, ये मत पूछिए कि क्या है, जीत है। आपको तो मालूम है कि इतना पब्लिक भीड़, अरे जीत है आपकी बार, तीसरा बार थ्री छक्का मारेगा, हाँ ठीक है। अब एकदम इंटरनेशनल लेवल पर देखिएगा ना कि रमान चौधरी तीसरा लेवल से जीत गए, मतलब सबसे ज्यादा लीडिंग वाला पंचायत होगा, हाँ एकदम पक्का है आपकी। अगर अगर हमारा अगर दिल करेगा ना तो इनको हम विधायक से लड़ाएंगे, ठीक है एकदम। इनका मतलब जो इनका जुनून है, जज्बा है, जिस तरह कहते हैं उस तरह करते हैं ना। ही और नेता आता है ना कि भैया प्रणाम ध्यान दीजिए, जीत जाता है तो आता ही नहीं है, हाँ कुछ नहीं करता है, बस 5 साल पर आता है भैया प्रणाम गोल लगता है, असल दो देखिए 2 महीने के बाद भेंटे नहीं होता है, जाते हैं जाते हैं, कहाँ है विधायक जी एमपी जी कहाँ है, तो सर गए हैं दिल्ली, आज जब वोट पड़ता है तो दिल्ली छोड़कर चले जाते हैं बिहार। चलो ऐसा नेता होना चाहिए, हैं रमान चौधरी जी हैं जब बुलाते हैं चले जाते हैं मोटरसाइकिल से या पैदल, ये नहीं कि हम नहीं जाएंगे, हम चेयरमैन हो गए सिवान का विधायक एमपी हो गए, ऐसा बात नहीं है। जब हम बुलाते हैं कि ये काम है वो काम है या रोड नहीं ढला है, हाँ यही है इनका, ठीक है। अभी इनका अगर हम चाहें ना तो इनको हम विधायक से लड़ा सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, अब एक ही गांव से थोड़ी है, लेकिन देखिए बरहन पंचायत में कुछ का कमी नहीं है। अब जहाँ जाइएगा नाला ओला सब मिलेगा, देखिए नहा ढला है सब ओके है, इसमें पूछने का नहीं है, सब मिलता है, खाने पीने का राशन वासन सब मिलता है। आ नहीं होता है तो इनका खेत बाड़ी है, ये अपने से ला कर देते हैं, जो भी मदद चाहिए देते हैं, ऐसा बात नहीं है कि ना अभी जिता दें उसके बाद आए, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है। सही बोले हैं, जितना काम करा है अच्छा काम करा है, सही कर रहे हैं सब, कोई करा जितना सब रोड सड़क सब करा है, पानी भी की इंतजाम कर दिए हैं, और किसी को जो कुछ होता है राशन मिलता है, अभी वो रहता ही नहीं तो आ जाता है मिल जाता है। अच्छे अब मुखिया कोई नहीं है, अच्छा आदमी है, किसी को बीमारी में पैसा देता है बेचारा, जाओ कोई मर जाता है जाओ मदद कर देता है अपना, ठीक है, कोई चीज़ का कमी नहीं होता, ठीक है। हमारे बरहन पंचायत में कोई किसी भी बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, औरत को, किसी को भी परेशानी होता है तो सीधा खड़ा होता है, हाँ दुख सुख में इसका पूरा परिवार साथ देता है, ये कोई
ये थी करने का नहीं है, खाने पीने का, पैसा चीज का, जो भी का शरीर से भी चाहे जो भी का कार्य होता है ना वो पूरा करता है। हाँ, पूरा भरोसा है, जनता का पूरा विश्वास है कि भारी से भारी मतों से विजय प्राप्त करें।